गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी व्यूवर्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, सुबह की शुरुआत मैं कर रही हूँ ये गर्मा गर्म चाय से। और चाय वैसे मैं नहीं पीती हूँ, पर ये मैं देने जा रही हूँ नाश्ता सबको। बाकी चीज़ें मैं बना के रख चुकी। इधर मैंने कढ़ाई में रख दिया है घी निकलने के लिए। तो जितनी भी मलाई थी मैंने उतनी ही निकाल ली फिलहाल, कि जितनी इकट्ठा हुई है पहले निकाला है, क्योंकि अभी ये यूज़ करने के लिए चाहिए थी। सो फटाफट से मैं इधर मलाई निकाल लेती। तो गाइस, मेरे काम भर की घी निकल आई है। और जितनी घी है मेरे ख्याल से मार्केट में इतना 50 रुपये से कम तो देंगे नहीं, और मैंने इतना घर में निकाल लिए। घर की निकली प्योर चीज़ की बात ही अलग होती है, बाहर की क्या होती है ना, मिक्स रहता है उसमें बहुत कुछ। ये तो मैंने प्योर निकाला है, प्योर चीज़ की बात ही अलग होती है। खुशबू ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये इतनी दूर तक के जा रही है। तो गाइस, कुछ कपड़े हैं जिसे मुझे अंदर रखना है, और इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसे इसलिए लपेट के रखा है क्योंकि बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम अंदर लपेट के रख सकते हैं, तो उसी तरीके से मैं लपेट के रख रही हूँ। वैसे ये मेरा नहीं, मेरी सिस्टर का है दोनों। गाइस, फिर ये बहुत ज़्यादा कपड़े आ गए, फिर निकल आए हैं। तो सारे कपड़े फिर वॉश कर चुके हैं और फैलाना है इसको। और अब मैं कपड़ों को बस धीरे धीरे करके निपटा ही ले रही हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा मेरे कपड़े जो हैं वो फैल चुके हैं। बस थोड़े बहुत जो हैं वही बाकी हैं, और इन्हें निपटाने के बाद मैं सोच रही हूँ शाम के खाने में क्या बनाऊँ। और शाम के खाने के साथ एक और चीज़ है कि शाम के स्नैक्स में भी कुछ बना लूँ। तो मेरा मन बहुत कुछ कर रहा था कि अब क्या बनाएं, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने दाल जो थी वो पहले ही भिगो रखी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज के शाम में क्यों ना दही वड़े बनाए जाए, और काफ़ी टाइम हो गया था दही वड़े भी बनाए हुए। खैर, अब हो गया था वक्त नमाज का, तो मैं बैठ करके नमाज पूरी कर चुकी थी। सिर्फ दुआएं जो थी वही मांग रही थी, और सभी के लिए दुआएं कर रही थी, आप सभी लोगों के लिए, कि आप सब लोग हमेशा कामयाब होएं और खुश रहें, सबको ज़िंदगी दें, सेहत दें, और जो बीमार हैं वो भी ठीक हो जाए जल्दी से। तो गाइस, मैं अपने मन से बना रही हूँ मीठी चटनी, जिसके लिए मैंने ये ली है खटाई। साथ ही मैं इसमें ये वाला थोड़ा मसाला डालूँगी, और साथ ही इसमें मैं ये भी मसाला डालूँगी। गाइस, इस वाले मसाले की क्वांटिटी मैं इतनी रखूँगी इसमें, और इस वाले मसाले की मैं इतनी। गाइस, इसमें ज़रा सी है घी है देसी, और मंगरेल यानी कि कलौंजी, और ये इसमें मैंने पानी मिक्स कर दिया। इसको मैं अच्छी तरीके से निकाल लूँगी। इसमें मैंने फूड कलर इंक्लूड किया है, और अब मैं इसमें जैगरी पाउडर डालूँगी क्योंकि ये मीठी रहनी है, खट्टी मीठी, इसलिए मैं अच्छी तरीके से डालूँगी इसमें बस। और इसको अच्छे से चला के रख दूँगी एकदम धीमी आँच पे, धीरे धीरे ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा बढ़िया से। तो गाइस, ये 2 मिनट में बनके रेडी हो गई फौरन का फौरन। और इस साइड मैंने चाय चढ़ाई है, और इस साइड मैंने तेल। गाइस, एक बाउल है ये जिसमें मैंने लिया है पिसी हुई चीनी और छोटी इलायची, दोनों एक साथ पीसा हुआ है। और मैंने इसमें डाल दी दही, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी फटाफट से, जल्दी से अच्छी तरीके से हो जाए ये मिक्स। और इसकी शक्ल बहुत अच्छे से आ रही है वैसे। इधर मैंने रख दिए भरे, जो कि हो रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो गाइस, मैंने इसको पानी में भिगो दिया है, इसलिए मैंने इसमें सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला है, और ये बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं। तो गाइस, मैंने इसको अच्छी तरीके से सोक करके निकाल लिया है, और अब मैं इस पर सबसे पहली जो लेयर डालूँगी वो है दही की। तो गाइस, अब मैं डाल रही हूँ काला नमक, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मीठा है। ये है सीरा पाउडर, ये है जादुई चटनी, थोड़ी सी गार्निश,
और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दही बड़े तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी वाले दही बड़े। तो गाइस बाकी अच्छी तरीके से हो रहे हैं। और अभी तो गाइस उस दिन मशरूम की सब्ज़ी बहुत अच्छी बन गई थी, तो फिर से ले आई मैं एक बार आज मशरूम, और मशरूम की सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी फिर से, पर तरीका चेंज कर दूँगी। तो गाइस इधर मैंने ले लिया कढ़ाई में तेल, और इसमें डाल रही हूँ तेज़पत्ता, दालचीनी की लकड़ी, साथ ही ये देख सकते हैं प्याज है, धनिया है, हरी मिर्च है, काली मिर्च है, लौंग है और छोटी इलायची है। ये सारी चीज़ें मैं डालूँगी तेल में, और ये रखा अदरक लहसुन साथ ही इधर मैं, अब जब ये डाल दूँगी तो इसमें अदरक लहसुन भी मिला दूँगी, और ये रहे कटे हुए टमाटर, और ये सबको मैंने अच्छे से फ्राई करने के बाद इस मिक्सी में पीस लिया है, और जिसकी शक्ल देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है, और माशाल्लाह खुशबू भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़ ये देखिए क्या हो गया मेरे साथ, अचानक मेरा पैर ना जल गया है, और मैं बना रही थी पूड़ियाँ तो उससे तेल जो था वो छिटक के आ गया था नीचे, और ये रही वो पूड़ियाँ, मैंने चावल की पूड़ियाँ बनाई हैं, और लाइफ में ये सेकंड टाइम मैं बना रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम कब बनाया था मुझे याद नहीं है, शायद आज से बहुत ज़्यादा पहले, तो उसके बाद मैं अभी आज बनाई हूँ। तो गाइस हाथ से कभी भी बता करके नहीं आते हैं, और अचानक से हो जाते हैं, उसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, और शायद आप लोगों ने अभी देखा भी होगा वीडियो में, पर समझ नहीं पाया होंगे सही से। तो मैं वही काम कर रही थी किचन में, वैसे तो अक्सर कहीं ना कहीं लगा ही रहता है चलना मलना, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल रहती हैं, बट कल जब मैं फ्राई कर रही थी तो बहुत ज़्यादा अचानक से तेल नीचे गिर गया, और वो कैसे गिरा किस वक्त हुआ मुझे नहीं ध्यान है, तो शायद मुझे लगता है गाइस कि ऐसा हुआ होगा, कोई कोई जब पूड़ी होती है ना तो उसमें ऑयल भर जाता अंदर, तो जब वो फटता है या कुछ होता है तो वो तेल भर से नीचे गिरता है। तो मुझे जहाँ तक के डाउट है या यकीन है तो मुझे यही लगता है कि मेरा उसी वजह से ऐसा हुआ है, जो तेल गिरा है ऑयल के वजह से ही ऐसा हुआ है। तो अभी तो फ़िलहाल वही है कि जलन हो रही है पैन में, और पेस्ट लगा रखा है। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छी सी मेडिसिन भी है जिससे निशान नहीं पड़ता है, सही बता रही हूँ गाइस, उससे निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, और ऐसी मेडिसिन शायद कुछ लोग जानते हों और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। तो मैं आप और मैं उस मेडिसिन को परमानेंट अपने साथ रखती हूँ, परमानेंट रहता है, क्योंकि किचन का काम ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ हादसा होना ही होना रहता है, वो कोई बोल के नहीं आता, पर हाँ माइंड इतना पता रहता है कि हाँ काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होना ही होना है। और चावल की मैंने लाइफ में शायद सेकंड टाइम पूरी ट्राई की थी, तो सेकंड टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, और तेल का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कब तेल क्या हो जाए, तेल का मूड कब किससे क्या हो जाए, तो उस चीज़ को हम नहीं कह सकते हैं, पर अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने जो दवा बताई थी वो मैं आप लोगों को अब दिखाना चाहती हूँ, वो ये है SOS। तो आप लोग को दिखा रही हूँ अच्छे से, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, और ये दवा बहुत अच्छी है गाइस, इसका 110% रिज़ल्ट रहता है, 110% बहुत अच्छी है मेडिसिन। ये क्रीम है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, 150 रुपये के अंदर आप लोग को मिलेगी ये, और मैंने लिया था तो ये 120 की, और उससे पहले जब लिया था तो ये सिर्फ 80 या 90 की थी, तो एक साल के अंदर इसका रेट बढ़ गया है, तो हो सकता है फिर अब ये बढ़ गया हो 150 तक के में भी, कंफर्म नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ है बहुत अच्छी, बहुत अच्छी ये मेडिसिन है, बहुत अच्छी क्रीम है ये क्रीम। तो जो क्रीम है वो गाइस मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे एक लोग के साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया था कि मतलब वो आग जलाई थी और उनकी बच्ची थी तो भाग रही थी, उसको पकड़ने के चक्कर में जैसे भी उनके साथ हुआ तो उनका तो फेस जो था वो मतलब इतना जल गया कि अंदर गड्ढे पड़ गया था जलकर,
और ज़ख्म धो गया था, तो मैंने उनको यही मेडिसिन दी, यही क्रीम दी। तो जब मैंने ये क्रीम दी और उन्होंने लगाया इस क्रीम को, तो उनका जो रिज़ल्ट था वो बहुत अच्छा हुआ। बहुत एक महीने बाद वो जब हमको मिली, तब उन्होंने हमसे ये कहा कि आपने जो दिया था इस क्रीम वो बहुत बहुत अच्छी रही और मुझे ऐसी क्रीम और चाहिए। तो मैंने उनके लिए, अभी गई नहीं हूँ वहाँ, तो मैं जब जाऊँगी तो ये क्रीम उनके लिए ज़रूर से ज़रूर ला कर दूँगी मैं, ज़रूर से ज़रूर। और इसके रिज़ल्ट भी गाइस बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हमेशा अपनी टेक केयर करें और इस तरीके से ना छोड़ें, क्योंकि जो दाग होते हैं वो जल्दी जाते नहीं हैं, और टाइम पर ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे कि मेरा अभी जल्दी इसी वक्त थोड़ी देर पहले ही मेरा पैर चला है, और अब मैं ये क्रीम लगा लूँगी ना तो निशान नहीं पड़ सकता है, और अगर नहीं लगाती तो पड़ सकता था। तो गाइज़ अब बस यहीं तक के बात करते हैं आप लोगों से। और मैंने कहा था कि मैं एक दिन नहीं डालूँगी, एक दिन बाद डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो मिलते हैं आप लोग से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले जाएं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी पूरी वीडियोज़ को देखिएगा।